हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 7 एंड रेडमी नोट 7S के मी यूआई 11 के न्यू स्टेबल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए दोनों डिवाइसेज में 11.0.6.0 का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाता है एंड इस अपडेट में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऐप ड्रॉअर, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, व्लॉग मोड, सनलाइट मोड, फोकस मोड, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिल जाते हैं। और ये सारे फीचर्स आपको MIUI 11 की नेक्स्ट सीरीज़ में देखने को मिलने वाले हैं, 11.1 की सीरीज़ में। अभी 11.0 की सीरीज़ यहाँ पर चली हुई है, लेकिन जो 11.1 की सीरीज़ होगी वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर देखने को मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि Redmi Note 7 सीरीज़ में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड गाइस, अगर आपको जानना है Android 10 कब तक किस किस डिवाइसेस में मिलेगा, तो 12 डिवाइसेस का लिस्ट यहाँ पर कन्फर्म्ड हो चुका है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसके बाद आप इस जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर बात करी जाए नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो अभी आपको 11.0.6.0 का लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है। एंड दोस्तों, जो नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है वो है 11.1 की सीरीज़। लेकिन 11.1 की सीरीज़ आने से पहले हो सकता है कि आपको 11.0 सीरीज़ का एक और अपडेट मिल जाए एंड उसके बाद आपको डायरेक्ट 11.1 की सीरीज़ का अपडेट देखने को मिलेगा। तो अगर नेक्स्ट अपडेट 11.0 सीरीज़ का ही आपको प्रोवाइड किया जाता है Xiaomi की तरफ से, तो अगले अपडेट में भी आपको कुछ फीचर्स यहाँ पर नहीं मिलने वाले। हो सकता है कि एंड्रॉइड सेक्योरिटी पैच लेवल को अपडेट यहाँ पर कर दिया जाए। अगर आपको डायरेक्ट 11.1 सीरीज़ का अपडेट मिलता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर देखने को मिलेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहला फीचर आपको मिलेगा अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीचर्स यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में 7-8% बैटरी बची है और अगर आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर देते हैं, तो वो बैटरी आपकी 20 घंटे के आसपास यहाँ पर चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में आप पूरे स्मार्टफोन को एक्सेस नहीं कर पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे, ओनली कॉलिंग वगैरह, आप मैसेजेस वगैरह ये सब आप कर पाओगे। तो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड आपका कमाल का यहाँ पर फीचर है, तो अगर आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगला आपको लेटेस्ट फीचर मिलता है सनलाइट मोड का, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर आप अभी सनलाइट में अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो कभी एक बार विजिबिलिटी यार सही नहीं लगती है, आपको मैनुअली जो ब्राइटनेस है वो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन सनलाइट मोड को इनेबल करने के बाद जो ब्राइटनेस है स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। जैसे आप सनलाइट में जाओगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, एंड अगर आप इंडोर में आओगे तो जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। नेक्स्ट गाइज, आपको वीलॉग मोड देखने को मिलने वाला है कैमरा में, लेकिन वीलॉग जो मोड है वो कुछ ही सिलेक्टेड डिवाइसेस में मिलेगा, तो इसका भी कंफर्म नहीं है कि नोट 7 सीरीज़ में मिलेगा या फिर नहीं। एंड दोस्तों, जो आपका ऐप लॉक का बैकग्राउंड है वो भी आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पर मिलने वाला है, जो आपने थीम लगाई उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर आपको स्लीप मोड भी यहाँ पर मिलेगा, जिससे कि आप यहाँ पर अपनी स्लीप को, बेड टाइम को, रेस्ट को, सब कुछ यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। जो आइकन साइज है वो भी आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलने वाला है, तो ये सारे लेटेस्ट आपको मिलेंगे। और गाइस, बताया गया है कि ऐप ड्रॉअर का फीचर, जो कि 11.0 की सीरीज़ के साथ प्रोवाइड नहीं किया गया था, वो नेक्स्ट सीरीज़ में आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर मिल सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे गाइस, अगर अभी आपको अपने डिवाइस में ऐप ड्रॉअर के फीचर को इनेबल करना है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से काम करता है, तो आप इनेबल कर सकते हैं। वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसी सीरीज़ में इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद ज़रूर से आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर बताया गया है कि फोकस मोड का ऑप्शन भी आपको कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेज में मिलेगा, लेकिन किन किन डिवाइसेज में मिलेगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद से आपको नोट 7 सीरीज़ में फोकस मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए आप इसे इनेबल कर सकते हैं, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट्स, 45 या फिर 60, 90 मिनट्स के लिए। तो दोस्तों, ये अनेबल करने के बाद ओनली आप यहाँ पर इमरजेंसी कॉल्स एंड कैमरा को ही यूज़ कर पाओगे। पूरा स्मार्टफोन एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ब्लॉक, मतलब रुक जाएगा, आप इमरजेंसी कॉल्स वगैरह को ही एक्सेस कर पाओगे एंड कैमरा को। एंड गाइस, इसके अलावा कुछ आपको थोड़े बहुत और चेंजेस मिलने वाले हैं एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको नेक्स्ट जो 11.1 की सीरीज़ होगी उसके साथ देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि जो ये 11.1 की सीरीज़ का अपडेट है ये यहाँ पर कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर कन्फर्म नहीं है
कि 11.0.6.0 के स्टेबल अपडेट के बाद डायरेक्ट आपको 11.1 सीरीज का अपडेट मिलेगा या फिर एक और अपडेट आपको मिलेगा। हो सकता है कि 11.0.7.0 या 8.0 या 9.0 का कोई अपडेट मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। जो फीचर्स होंगे वो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे 11.1 की सीरीज की। तो दोस्तों जो 11.1 की सीरीज का अपडेट है, बताया गया है कि यहाँ पर दिसंबर एंड से शाओमी के कुछ डिवाइसेस में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नोट 7 में दिसंबर एंड से मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर जनवरी में जरूर से आपको ये अपडेट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम 1-1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा इस न्यू सीरीज के अपडेट के लिए। एंड गाइज, यहाँ पर एंड्रॉयड 10 की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो 1-1.5 महीना वेट कर लीजिए, आपको जल्दी 11.1 की सीरीज का अपडेट मिल जाएगा। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी, वो भी लेटेस्ट फीचर्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।